लड़कियों अब तो समझ जाओ, अगर अब भी तुम नहीं समझे ना तो सच में तुम्हारा दिमाग जो बोलते ना घुटने में, सच में घुटने में। मैंने अभी रील बनाई थी ना कुछ टाइम पहले कि जो लड़की होती है वो दो बच्चे के बाद भी किसी लड़के के साथ भाग जाते हैं भाई, ये सब चीजें मैंने अभी एक हफ्ते पहले की रील है। बस केस हो गया ना अभी फ्रिज में काट के रखने वाला भाई, वो दूसरे के पास गई अपने बच्चों की बिना परवाह करे, अपने पति को इस तरीके से छोड़ के। मैं सब लड़कियों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या भाई एक्स्ट्रा चीज दे देता है वो थर्ड पर्सन तुम लोगों को, जो तुम लोग उसके पास चले जाते हो यार? लड़ाई करके हमेशा क्यों बोला जाता है कभी भी मैरिज में लड़ाई करके मायके नहीं जाना चाहिए, फ्रेंड्स से नहीं बात करनी चाहिए? अपनी लड़ाई के बारे में तुम डिस्कस क्यों करते हो किसी से? दूसरा तो फायदा उठाएगा ही उठाएगा यार। मैं मतलब लिटरली बता रहा हूँ, इस चीज से मेरे को मैं बहुत रिलेट कर पाया मैंने, क्योंकि अभी रील बनाई थी एक हफ्ते। लड़कियों थर्ड पर्सन कुछ नहीं करेगा, वो ताड़ में ही बैठा है। मैं गली में देखो एक औरत जा रही होती है भाई, बैग वैग पैक करके मायके जा रही हूँ, पति से लड़ाई होगी, अरे भाई मायके वाले आके सुलझाएंगे क्या? ये ध्यान रखो, कभी भी आपका दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका भाई बहन, आपके मम्मी पापा, कोई लड़ाई नहीं सुलझाएगा। आखिर में पति पत्नी बच जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बच जाते हैं, आप दोनों को ही सुलटनी आपस में। तो इसीलिए मैं जितने भी लड़के देख रहे हैं अपनी फीमेल पार्टनर्स को शेयर कर दो, उनको समझाओ ये चीज, ठीक है? रेगुलरली इतने केसेस देखो, तभी मैंने 7 दिन पहले रील बनाई थी और 7 दिन बाद यही केस हो गया, देख लो। रियल फैक्ट पे बात करता हूँ, फॉलो कर लो जरूर से, ठीक है? ताकि आपको ऐसी रियल फैक्ट्स मिलते रहें। सभी लड़कों से बात कर रहा हूँ मैं, लड़कियों से भी।